अंग वोचन उपदेश दिया गमिष्यन्तः जाते समय कृपया अहेतु की कृपा से दीन वत्सलाः जो दीनों के प्रति अत्यंत दयालु हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते रहते हैं, मेरे पीछे दोहराएंगे, दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं। विशुद्ध वेदांती या भक्ति वेदांत अपने अनुयायियों को स्वयं भगवान के उपदेशों के मुताबिक ही उपदेश देता है। भगवान ने भगवद गीता में तथा अन्य सारे शास्त्रों में निश्चित रूप से यह उपदेश दिया है कि लोग उन्हीं का अनुगमन करें। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं। सारा दृश्य जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है और जब उनकी इच्छा से सारा खेल समाप्त हो जाता है, तब वे अपनी सारी साज सामग्री समेत अपने दिव्य धाम में बने रहते हैं। सृष्टि के पूर्व वे अपने इसी दिव्य धाम में थे और प्रलय के बाद भी वहीं बने ही रहेंगे। अतएव वे सृजित प्राणियों में से एक नहीं है, वे दिव्य हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन को दिए गए उपदेश के लिए बहुत पहले उन्होंने यही उपदेश सूर्यदेव को दिया था। क्योंकि बीच में यह श्रृंखला टूट गई थी और यह उपदेश गलत तरीके से उपयोग में लाया जाने लगा था, अतः वही उपदेश अर्जुन को फिर से दिया गया, क्योंकि वह उनका परम भक्त एवं मित्र था। अतः भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। भगवान के दिव्य रूप का कोई अनुमान न होने के कारण निर्विशेषवादी भगवान के इस गुह्यतम संदेश को नहीं समझ पाते। यहाँ पर गुह्यतम हम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान से बढ़कर है। ज्ञानम का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान या ज्ञान की कोई शाखा। यही ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंच जाता है। इसके ऊपर जब इसमें कुछ कुछ भक्ति मिल जाती है तो वह परमात्मा का ज्ञान या सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान बन जाता है। यह अत्यंत गुह्य है, किंतु यदि यह ज्ञान विशुद्ध भक्ति में सेवा में परिणत हो जाता है और दिव्य ज्ञान का गुह्य अंश प्राप्त हो जाता है तो यह गुह्यतम ज्ञान कहलाता है। भगवान ने ब्रह्मा, अर्जुन, उद्धव इत्यादि को यह गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया है। ओम स्वयं रूपा कदा नयम ददाति स्वर्गान्तकम् वैष्णवान् श्रीयुगं साग्रजातं सर्वमनाथानुकम्पं श्रीयुगं साधयितुं सर्वरूपं श्रीचैतन्यं देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सर्वनन्दितां श्रीविशाखान्तां श्रीकृष्णकरुणासिन्धुं दीनबन्धो जगत्पतिं गोपेषु
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम ज्ञानं गुह्यतमं यतत् साक्षात् भगवतोदितं अन्वगोचन गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सला। दीन जनों पर अत्यंत दयालु भक्ति विदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम से उपदेश लेकर के चले गए जो कि स्वयं भगवान देते रहते हैं। तो हम कंटिन्यू नारद मुनि का प्रसंग सुनते आ रहे हैं, उनका पूर्व जन्म का। तो पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से नारद मुनि जो है पूर्व जन्म में भक्ति वेदांतों के उपदेशों को ग्रहण करके उनका जो सारा जो पाप ताप जो है नष्ट हो चुका। और आज हम सुनेंगे किस तरह से दीनों पर दया करने वाले भक्ति वेदांतों ने उस 5 वर्ष के बालक अहेतु की कृपा करके चले गए। वो अहेतु की कृपा क्या था? अहेतु की मतलब हेतु का मतलब होता है कारण, और अहेतु की मतलब बिना कारण के। तो उन भक्ति वेदांतों ने, भगवत भक्तों ने, मुनियों ने उस 5 वर्ष के बालक को अहित की भक्ति का उपदेश दिया। मतलब उन भक्ति वेदांतों ने जो उपदेश दिया उसका कोई फल वो लोगों ने लिया नहीं बदले में। इसको अहित की बोले, मतलब फ्री में दे दिया। इस संसार में हम जब काम करते होते हैं कहीं भी, तो उसका कुछ ना कुछ हेतु होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। हम नौकरी धंधा करते हैं तो उसके पीछे कारण होता है, हमको मंथली पेमेंट मिले फैमिली पालन के लिए, ये हेतु है, कारण है। तो हर एक क्रिया के पीछे हमारा एक कारण होता है, उद्देश्य होता है। लेकिन एक ऐसा भी काम है जो बिना हेतु है, बिना कारण है, और वो है भक्ति। तो भक्ति जो है, वैसे भक्ति भी 2 प्रकार से किया जा सकता है, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति ही अहित की भक्ति कहलाता है। तो नारद मुनि को, बालक को ये भक्ति वेदांतों ने, यहाँ प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत शब्द यूज किया है, तो यहाँ हमें समझना है भक्ति वेदांत का क्या मतलब। प्रभुपाद का भी एक नाम भक्ति वेदांत टाइटल लगा था। तो ये भक्ति वेदांत है क्या? भक्ति वेदांत, वेद का मतलब तो जानना हुआ, ज्ञान। वेद जो है एक बहुत बड़ा ज्ञान की एक शाखा है, ज्ञान का एक वृक्ष है। उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे शाखा है, प्रशाखा है। जैसे हम भगवद गीता में पढ़ते हैं 15वें अध्याय में, ऊर्ध्वमूल अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवि। भगवान कहते हैं कि एक ऐसा वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखा नीचे की ओर है।
ऐसा वृक्ष हमने कभी देखे नहीं न सुने नहीं, लेकिन हम इसका थोड़ा अनुभव कर सकते हैं जब हम प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे तालाब के किनारे, कोई सरोवर के किनारे कोई वट वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, तो दूसरे साइड से हम साइड से देखेंगे कि उसका जो परछाई है पानी पर पड़ रहा है पूरा वृक्ष का, तो उस समय हम ध्यान से देखेंगे तो उसका जड़ जो है पानी के अंदर दिखता है और उसका शाखा ऊपर की, ये मतलब जड़ ऊपर की ओर दिखता है और शाखा अंदर की ओर पानी में ऐसा दिखता है तो परछाई। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो संसार वृक्ष है, संसार वृक्ष है, ये इसी तरह से है, उल्टा है, जड़ें तो ऊपर की ओर है, मतलब ब्रह्मा जी से सृष्टि होता है और सृष्टि होते होते इधर पूरा फैलता है शाखा प्रशाखा। तो इसमें भगवान बताते हैं छंदांसी यस्य पर्णानि, मैं इसके बारे में बताने के लिए बोल रहा था। तो छंदांसी यस्य पर्णानि, पर्ण मतलब होता है पत्ते, छंद जो हैं मतलब वेदों के जो छंद हैं इसके पत्ते हैं, इस पीपल के पत्ते हैं, सब होते हैं। तो वेद जो है ज्ञान का भंडार है, सारे वेद से ही हमें प्राप्त होता है। आप कोई भी डिपार्टमेंट लीजिए, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या हो, चाहे कर्मकांड विभाग हो, किसी भी प्रकार का, हर चीज वेद से ही आया है। तो वेद का मतलब जानना भी होता है और वेद पुस्तक भी है, किताब जानना। और ये वेद कोई आदमी का लिखा हुआ नहीं है, ये भगवान स्वयं अपने मुख से बोले हैं, ये भगवान की मुख की वाणी है। जैसे भगवत गीता जो है भगवान के मुख से आया है, उसी तरह वेद भी सृष्टि के आदि में। अब ये सृष्टि कितना लंबा है इसका भी आकलन है, कैलकुलेशन है, लेकिन हम मोटा मोटी जो है ये समझेंगे। ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है तो वहाँ से प्रारंभ होता है ये सृष्टि। सबसे पहला जीव जो है इस संसार में, कोई पैदा होने वाला जीव यदि कोई होगा तो वो ब्रह्मा जी है, और भगवान से डायरेक्ट पैदा हो जाते हैं। कोई माता जी के गर्भ से नहीं, भगवान के कमल नाल से, कमल का जो नाल होता है उसका, भगवान नाभि कमल से पैदा होता है। लक्ष्मी जी पैर दबाती रहती हैं और इधर ब्रह्मा जी का पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ये मूल है, ये सबसे प्रथम जीव है। फिर उनको शक्ति प्रदान करते हैं भगवान सृष्टि करने के लिए, इस संसार को रचने के लिए। जब भगवान पहला सृष्टि कर देते हैं उसको सर्ग बोलते हैं, और जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगते हैं उसको विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग, सर्गो विसर्ग। तो जो दूसरी जो सृष्टि है ब्रह्मा जी का सृष्टि, वो विसर्ग है। और ये ब्रह्मा जी का संसार है, वो हमारे मतलब पितामह या पर पितामह ऐसे बोल सकते हैं ब्रह्मा जी को, क्योंकि सबके आदि ब्रह्मा जी ही हैं, हमारे जो जन्मदाता सब उनसे ही लोग आए। तो ये ज्ञान जो है सृष्टि के आदि से चला आ रहा है, ये आज से 5,000 साल पहले या कुछ हजार साल पहले, कुछ लोग ऐसे मतलब तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन ये ज्ञान जो है सृष्टि के आदि से है। और ये ज्ञान